हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हमारी डेस्टिनेशन स्टील जिम है। यहाँ पे हम बॉडी बिल्डिंग की टिप्स भी लेने आए हैं, यहाँ का डाइट प्लान भी लेने आए हैं। कोशिश करते हैं कि जाहिर सी बात है फास्ट फूड की तरह वीडियोस के बाद थोड़ा वजन भी कम कर लें और आपको टिप्स दिखाते हैं। और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का माशाल्लाह से जमशेद रोड पर इसकी लोकेशन है। हम पूरी डिस्क्रिप्शन और एड्रेस डाल लेंगे, तो व्लॉग का आगाज करते हैं, मेरे साथ रहेगा। शाहजेब भाई आए हमारे पास और इनको हम मतलब इनका आज फर्स्ट डे जिम के अंदर इनको हम ट्रेनिंग शुरू करवाएंगे। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आपने सीधे खड़े होना है, आप उधर फेस करें, दोनों हाथ ऊपर सीधे करें, बंद। अब इनको पीछे लाएं ऐसे। हाँ। अब आपने स्ट्रेट करनी है, स्लो वहाँ फास्ट पीछे लानी है। आगे होके बैठे, चले यहाँ लाए पीछे 10 reps। आपको खाली आज थोड़ा वार्म अप करवा दें ताकि कल आप फिर दोबारा आ सकें। हाँ ऐसे 10 reps करने। कोई आपने एक्सरसाइज ही नहीं करी कभी, तो आप अभी पहले कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये न्यू के लिए है सिर्फ, ये आपका पेट पे ला रहा है, ये पेट हम इंशाल्लाह अंदर कर देंगे अपनी तरफ। चेस्ट आगे हो जाए, जब लाएंगे तो चेस्ट अप करेंगे, ठीक है नीचे। हाँ चले, विंग्स की तरह लगाना जी ये। हाँ ये विंग्स हैं ये, कल ये मतलब इसमें सीट लगी हुई ना, तो सीट की ड्राइंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजीर अहमद कुरैशी। वजीर भाई ये बताएं माशाल्लाह इस जिम की हिस्ट्री बताएं, कितना पुराना है जिम? राजीव भाई माशाल्लाह मेरे जिम को खुले हुए तकरीबन 2003 में स्टार्ट किया था, तकरीबन 20 साल के करीब हो गया। 20 साल के मैंने देखे यहाँ पे काफी सारे कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे जीते हैं आपके जिम में, और आपके जो मेन बॉडी बिल्डर हैं उनका भी इंटरव्यू लेंगे अभी। तो क्या ट्रेनिंग है, कितने कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर? सर इसमें जो है माशाल्लाह मेहनत तो बहुत लगती है, 2 घंटे दिन में कम से कम देने पड़ते हैं बॉडी को, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो इसके साथ डाइट का भी बहुत हाथ होता है, क्योंकि जो है ना डाइट इसके अंदर मेन किरदार अदा करती है। खाना पीना जो है आपको मेंटेन रखना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। सबसे बड़ी बात होती है वक्त पे डाइट लेना, और डाइट भी होती है हमारी बॉडी बिल्डरों की जो है शेड्यूल के हिसाब से चलती है, लिमिट के हिसाब से। चिकन कितनी लेनी है, अंडे कितने लेने हैं, फिश कितनी लेनी है, तो सबकी एक लिमिट बनाई हुई होती है। अच्छा, एक नॉर्मल बंदा आता है आपके पास जिसे फर्स्ट टाइम आया है, तो उसकी क्या रूटीन होगी? फर्स्ट टाइम उसकी रूटीन ये होती है कि उसको जो है स्टार्टिंग में हम लोग वार्म अप करवाते हैं, सही है ना, और लाइट जो है ना डाइट उसको बताते हैं ताकि उसकी बॉडी में पिकअप आना शुरू हो। ना उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं ना ज़्यादा कम करवाते हैं, भाई एक नॉर्मल उसको वर्किंग शुरू करवाते हैं लाइट वेट से, फिर आहिस्ता 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 वो गेनिंग पे जाता है, फिर उसकी डाइट का शेड्यूल बढ़ाते हैं, डाइट का शेड्यूल बढ़ता है फिर उसकी बॉडी गेन करने लगती है, फिर वर्कआउट भी उसका बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ी कम से कम 6 महीने लगते हैं इस प्रोसेस में ना, तो उसकी वजह से जो है बॉडी माशाल्लाह अच्छी खासी शेप में आ जाती है। यानी कि जो हमारे फैंस देख रहे हैं वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अपना कांटेक्ट नंबर भी बता रहे हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0343-292-0074। अच्छा, अब लोकेशन ही बता दें अपनी। ये हमारा स्टील जिम है, पूनावाला टावर बिल्डिंग के अंदर है और जमशेद रोड नंबर 2 के इलाका है। चार्जेस क्या है यहाँ के कुछ पता है? चार्जेस हम लोगों ने इंतहाई मुनासिब रखे हुए, जो पूरी कराची में शायद ही किसी के जिम में होंगे। जितनी फैसिलिटी लड़कों को देते हैं शायद ही किसी जिम में मिलती होगी जी, क्योंकि 1000 रुपये महीना ओनली, 1000 रुपये महीना हमारी जिम की फीस है और 500 एडमिशन फीस है। इसके अंदर जो है हम लोग पूरी वर्कआउट लड़के को गाइड करते हैं, डाइट शेड्यूल देते हैं, और इसके अलावा किसी भी लड़के को कोई प्रॉब्लम होती है ट्रेनिंग आप लोगों को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ट्रेनिंग हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं यहाँ पर ना,
और दूसरे जिमों के अंदर जो है ट्रेनिंग के गाइड करने के अलग चार्जेज वसूल किए जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग इस तरीके से नहीं करते। लड़का आता है, स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, बहुत खुश होते हैं और माशाल्लाह हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत लड़कों ने कॉम्पिटिशन जीता है और अभी हाल ही में जो है मेरा भाई ये छोटा शहजाद अहमद कुरैशी, उसने माशाल्लाह एशिया में मिस्टर एशिया बनकर आया है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ी है, मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले लड़े हैं, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध, माशाल्लाह सारे कॉम्पिटिशन उसने जीते हैं। पाकिस्तान के नंबर वन जो बॉडी बिल्डर है वो आपके छोटे भाई हैं माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ये मिस्टर एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये मिस्टर वर्ल्ड के अंदर सिल्वर मेडल हासिल किया था और ये अभी मिस्टर वर्ल्ड के अंदर ही ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये माशाल्लाह ये पाकिस्तान मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी है क्या समझे, और माशाल्लाह और बहुत सारे अवार्ड है ये रखे हुए ऊपर रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, वैसे तो सबको पता ही आपका नाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप सभी बता दें हमारे फैंस। मेरा नाम शहजाद अहमद कुरैशी है। माशाल्लाह से शहजाद भाई जो है पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन बॉडी बिल्डर है, कितने सारे कॉम्पिटिशन जीत के आए हुए, सारे मेडल्स भी आपको दिखाए। अभी आप इनकी जबानी सुने कि इन्होंने अभी सबसे पहले लास्ट कंपटीशन कौन सा जीता है, ये बताएं जरा। अभी मैं लास्ट थाईलैंड गया था, मैंने वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप की, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उससे पहले मैं मालदीव गया था, दो उसके तीन महीने पहले मैं मालदीव गया था, वहाँ पे मैंने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेली थी और उसमें मैं गोल्ड मेडल हुआ था माशाल्लाह। और उससे पहले मैं उज्बेकिस्तान गया था, वहाँ पे मैं सिल्वर मेडल हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। वैसे तो मेरे पाकिस्तान में मैंने बहुत कॉम्पिटिशन खेले, पर उसकी वजह थी पाकिस्तान से छोड़ने की वजह यह है कि ना पाकिस्तान में ना इंसाफ नहीं है, सपोर्ट नहीं होती, सपोर्ट भी नहीं है और इंसाफ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे अल्लाह ने इज्जत बहुत दी और जीता भी, अल्लाह का शुक्र है। देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की लापरवाहियों की वजह से जो है ना एक अच्छा जो हमारा सितारा है वो जाया हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए तवज्जो दें यहाँ पे ताकि इनकी डाइट वाइट अच्छी हो, इनको सपोर्ट मिले फाइनेंशियल तौर पे, ताकि ये आगे और अच्छे कंपटीशन लड़ सके और गोल्ड मेडल भी ला सके। जरूरी है, असल में मसला सारे ये है ना यहाँ पे सपोर्टिंग नहीं है। अरे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, कंपनी जितनी है कोई कंपनी सपोर्ट करे ताकि हम लोग इन्वेस्टमेंट करे, ताकि हम इंशाल्लाह ये अभी मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मैं आगे इंशाल्लाह ओलंपिया तक भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा गोल है बाकी आगे खेलने का। अभी जितनी खुद के अंदर हिम्मत है खर्चा करनी जब तक कर रहे हैं, फिर देखें आगे क्या होता है। जिस तरह के फैंस महंगाई बढ़ रही है, जाहिर सी बात है एक बंदा अपना घर का हिसाब किताब चलाएगा या बाकी सारी चीजें कर सकेगा, जाहिर सी बात है स्पॉन्सरशिप जब तक नहीं होगी तो बंदा बाहर मुल्क कैसे जाएगा, और उससे पहले तैयारी भी करनी होती है। जी जी बिल्कुल, तैयारी है, जो तैयारी में खर्चा है ना वो बहुत ही मुश्किल हो गया आजकल। आजकल नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकाबला खेलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अंदाजन अगर एक कॉम्पिटिशन में है तो कितना खर्चा आता है, अगर कोई स्पॉन्सर हमारा देख रहा हो तो अंदाजन बताएं कितना खर्चा आता होगा एक कॉम्पिटिशन। देखिए कम से कम मंथली कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, और अंदाजन अगर 3-4 महीने का ट्रेनिंग होती है तो 4-5 लाख रुपए का तकरीबन 5-6 लाख रुपए का खर्चा है। तो हम तो गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर तवज्जो दें इस फील्ड के अंदर भी, दें क्रिकेट में बहुत तवज्जो दे ली आपने, क्योंकि ये हमारी फील्ड ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे टैलेंट बहुत है, पर जो पीछे टैलेंट इसी वजह से कि ना सपोर्ट्स नहीं है, बैक से सपोर्ट हाँ, नहीं मिलेगी। क्रिकेट देखें इतना सस्ता है, क्रिकेट में इतना कोई आपको इतनी कोई स्ट्रगल नहीं करनी, इतनी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपने गेम खेलना है। इसमें प्लस आपको अपने आप को मेहनत भी करनी है, आपने आपको फिट रखना है, प्लस डाइट है, बहुत सारी चीजें। देखें आप अभी आप फर्स्ट टाइम इधर आए, आपको महसूस हो रहा होगा कि जिम में कितनी मेहनत है, क्योंकि एक वेट उठाना लोहे से लड़ना है जंग है। इसके अलावा फिर आप जब मेहनत करते हैं तो डाइट वाइज भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, अच्छी मेंटेनेंस करनी है। अब एक बंदा सुबह खा रहा है, रात में जाके जंक फूड खा के सो गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। भाई अभी ये शाहजेब भाई आए हमारे पास और इनको हम मतलब इनका आज फर्स्ट डे जिम के अंदर, इनको हम ट्रेनिंग शुरू करवाएंगे और इनको बिल्कुल मतलब लाइटली वार्म अप करवाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा आज इनकी बॉडी पेन ना करे कल के दिन, ताकि कल भी आ सके। पहले आपने सीधे खड़े होना है, आप उधर फेस करें, दोनों हाथ ऊपर सीधे करें बंद, अब इनको पीछे लाएं ऐसे, हाँ हाँ 20 रेप्स करने फास्ट चल वहाँ, अब आपने स्ट्रेट करनी स्लो वहाँ फास्ट, अब आपने दोनों हाथ सीधे करने स्ट्रेट, सही है स्ट्रेट करें हाथ, हाँ आप स्लो स्लो जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक, ये हेल्दी है तो आपने आप करनी जंपिंग ऐसे हल्के हल्के, फिर आपने आप ऐसे आना है पाँव खोलने, ये आपका हो गया थोड़ा घूमो ताकि बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे लाइट लाइट, दो तीन एक्सरसाइज करनी है आपने ताकि फिर कल भी आ सके। ठीक है, बैक पे लगानी है आपने, पीछे लानी है, आगे होके बैठे
चले यहाँ लाए पीछे 10 रेप्स वैसे फ्रंट पे करें यहाँ से ये नहीं ऐसे पकड़े ऐसे ये आपको खाली आज थोड़ा वार्म अप करवा दें ताकि कल आप फिर दोबारा आ सकें। हाँ ऐसे 10 रेप्स करने अब ऐसे उठाने ये अब ऐसे फ्रंट पे भी लगाएं करेंगे बाइसेप्स इसी से कर लें हाँ वन बाय वन करेंगे। अब ये आपने स्लो स्लो उठाना है हाँ इसको खींचना है अपनी तरफ चेस्ट उठा के आगे हो जाए जब लाएंगे तो चेस्ट अप करेंगे ठीक है खींचे फ्रेंड्स को बिल्कुल बोलते हैं कि यहाँ पे आए यहाँ पे 1000 रुपए के अंदर इनकी बहुत ही कम लो प्राइस के अंदर लो प्राइस फीस है हमारी सबसे कम फीस है कराची के अंदर इतनी कम फीस कहीं भी नहीं और है सबसे बड़ी बात ट्रेनिंग भी फ्री ट्रेनिंग भी फ्री है यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेनिंग फ्री है आपकी फिर उसके अलावा आपको यहाँ पे हर फैसिलिटीज मिल रही है हर चीज है हर मशीनरी है क्योंकि यहाँ पे कोई मशीन कम नहीं है हर चीज की डबल डबल मशीनें हैं वजह यही है कि ताकि लोगों के लिए सहूलत जिम के अंदर होता है ना लोग डंबल्स के लिए खड़े होते हैं डंबल्स नहीं अल्हम्दुलिल्लाह डंबलों का देंगे रश लगा हुआ है हमारे पास और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपके पास मशीनें भी इतनी है कि भाई मशीनें हर चीज की डबल डबल के हिसाब से अपने वर्कआउट करते हैं चले आते हैं और हमारा जो वर्कआउट होता है वो हम लोग खुद ही गाइड करते हैं बच्चों को ताकि उनको उनका टाइम ज्यादा जाया नहीं हो क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ही आते हैं हमारे पास ज्यादातर ताकि वो जल्दी से जाए अपनी एक्सरसाइज करें और अपनी पढ़ाई पे भी गौर करें चले हमारे फैंस को एक आखिरी मैसेज दे दें कि वो वर्कआउट के लिए क्या करें सबसे पहले सबसे पहले वर्कआउट के लिए वो स्टील जिम में आए और आगे जो है ना इनसे ट्रेनिंग लें मजीद भाई है हमारे अल्ताज भाई है यहाँ पे अरसलान है कबीर है हम 5 बंदे होते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह और हर चीज की सहूलत है हमारे पास ये देखें जो लोग जो है माशाल्लाह पाकिस्तान से जो है सारे गोल्ड मेडल ब्राउन मेडल लेके आए हैं पूरी दुनिया से और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात रहेगी इस ब्लॉग से मुझे इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा ठीक है सर प्यार।